चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ साइलेंस। स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्टाइल किया। प्रोजेक्टाइल के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमने ये किया कि अगर ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन होती है किसी भी बॉल की, तो उसमें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, रेंज का हमने फॉर्मूला किया वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम ऑफ असेंट एंड डिसेंट किया, ये हमने कर लिया था। फिर हमने एक और केस किया, टॉप ऑफ द टावर से जब बॉल को घेरा जाता है तो उसमें क्या रिजल्ट्स लगते हैं। टॉप ऑफ द टावर से जब बॉल को घेरा जाएगा उसमें कोई भी फॉर्मूला मैंने आपको नहीं करवाया, मैंने वाई एक्सिस में अलग इक्वेशन लगानी सिखाई, एक्स में अलग इक्वेशन लगानी सिखाई। फॉर्मूला जो आपने मैक्सिमम हाइट का किया या फॉर्मूला जो आपने रेंज का किया, वो टॉप ऑफ द टावर से जब आपने बॉल को घेरा वो फॉर्मूला उसमें वैलिड नहीं है, वो ग्राउंड टू ग्राउंड के ही फॉर्मूलाज हैं, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से बॉल को घेरने के फॉर्मूलाज नहीं है। यहां तक क्लियर है? फिर मैंने आपको एक सब्जेक्टिव शीट दी थी सॉल्व करने के लिए, सब्जेक्टिव शीट नंबर 16। तो कितने लोगों ने ट्राई की? बहुत बढ़िया। तो उसमें डाउट्स वगैरह भी होंगे अभी, तो इसको फिर एक बार हम डिस्कस करेंगे। मेरे को दे दे, इसको एक बार डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव शीट नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। देखो, सब्जेक्टिव शीट नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। कितने लोगों का आंसर 25 मीटर आया? बहुत लोगों आया होगा 25 मीटर। अच्छा, कितने लोगों का 50 मीटर आ गया? बहुत बढ़िया। कितने लोगों का दोनों नहीं आए? ठीक है। तो और कितने लोग ये सोच रहे हैं कि ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि मैं तो शीट ही नहीं की, है कोई ऐसा? अच्छा ठीक, बहुत लोग ऐसे भी होते होंगे। देखो, नेक्स्ट है, क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। मेरे को ये बात समझ में आती है कि एक क्रिकेटर 45 डिग्री के ऊपर पक्का बॉल को फेंक रहा है, तभी तो वो कह रहे हैं मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मुझे समझ में आता है कि ये जो रेंज है, ये कौन सी रेंज गिवन है? मैक्सिमम रेंज गिवन है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। तो मैक्सिमम रेंज की जो वैल्यू है इज वी स्क्वायर साइंस ऑफ टू थीटा की जगह रादर हम यहां पर क्या पुट करेंगे जी? मैक्सिमम रेंज का हमने फॉर्मूला किया ही था, तो यहां से 100 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी की जगह 10, तो वी की जगह 10√10। तो वेलोसिटी मुझे पता लगती है कि ये क्रिकेटर इतनी वेलोसिटी से बॉल को हिट कर सकता है। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? वो ये कह रहे हैं कि अब बताओ हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। तो काफी लोग इसमें ये कंफ्यूज होते हैं कि शायद वो मैक्सिमम हाइट पूछ रहे हैं, और वो लोग फॉर्मूला लगाते हैं वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और थीटा को क्या पुट करते हैं 45। कितने लोगों ने ऐसे किया? उनका तो आंसर गलत आया होगा, 25 मीटर आया होगा। अब देखो ये ना, अब दो बार देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है, मैंने एक स्टूडेंट को कहा कि ये ले ये पेन, इसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे घेर, तो एंगल क्या रखेगा 45। अब मैंने एक और स्टूडेंट को बुलाया, मैंने कहा इस पेन को मैक्सिमम हाइट पे घेर, अब वो एंगल क्या रखेगा 90। यार वो बॉल को ऐसे क्यों घेरेगा? वो बॉल को सीधा ऊपर घेर देगा, ऊपर घेरेगा, उसको क्या लेना कि डिस्टेंस कवर हो कि ना हो। तो जब मैक्सिमम हाइट की बात होती है, दूर से दूर या ऊंचाई पे एक ऑब्जेक्ट को घेरना है, तो कभी भी एंगल पे नहीं घेरना, वो 90 डिग्री पे घेरना है, यानी कि वो सीधा ऊपर घेर देना है, तो ऑटोमेटिकली वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। लेकिन जब ग्राउंड का डिस्टेंस मैक्सिमम कवर करना है तो एंगल थीटा क्या रखना पड़ेगा 45। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिर कई लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये भी तो मैक्सिमम हाइट है, ये भी तो मैक्सिमम हाइट है। देखो ये इस जर्नी की मैक्सिमम हाइट है, अब ऐसे तो अगर वो 30 डिग्री पे गिरेगा तो उसकी भी तो कोई मैक्सिमम हाइट आएगी, अगर वो 25 डिग्री पे गिरेगा उसकी मैक्सिमम हाइट आएगी, पर हमें तो उसको हाईएस्ट पॉइंट पे गिरना है। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे गिरना है तो वेलोसिटी जिससे कि वो गिर सकता है वो हम निकाल चुके हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो हमें मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, एस कितना है, तो हम अप्लाई करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, तो 0 स्क्वायर माइनस 10√10 का होल स्क्वायर इज 2 इंटू माइनस 10 इंटू कितना s, तो यहां से s की वैल्यू आ जाएगी 50 मीटर।
पॉइंट क्लियर है? तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यहां अगर आपको लगाना भी है, एच एम का फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, आप लगा लो, पर थीटा क्या पुट करो, 90। बोलो बोलो फिर से बोलो, यहां से 50 आ रहा है 45 डिग्री पुट करके, फिर इसका आंसर 50 नहीं है, फिर इसका आंसर चेक करना कितना आ रहा है, यहां पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस से क्या आ रहा है, पुट करो सॉल्व करो, 50 आ रहा है, तो अगर ये 50 आ रहा है फिर ये 50 नहीं आएगा, ये चेक करना कितना आ रहा है, ये 25 आ रहा है, ये 25 आना चाहिए, पता है क्यों, साइन स्क्वायर 45 है, साइन 45 1 बाई रूट 2 होता है, 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर इज 1 बाई 2, तो 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 आंसर आएगा यहां से, ठीक है, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो वहां से सही आंसर बैठेगा, सही। तो अगर मैक्सिमम ऊंचाई कवर करनी है, रेंज से कोई लेना देना नहीं, तो एंगल 90 पुट कर देना, मैक्सिमम रेंज कवर करनी है तो एंगल 45 ही पुट करना, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक अभिषेक, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। तो 45 डिग्री पे बॉल को नहीं फेंकना, 90 पे फेंक देना, कर सकते हैं, एक ही बात, पर उसमें एक प्रॉब्लम है, 25 डिग्री आने का चांस है, क्योंकि आप एंगल एक पुट करोगे 45 उसमें, जबकि इसमें एक केस में एंगल 45 है, मैक्सिमम रेंज में मैक्सिमम हाइट में 90 है, तो आपका क्वेश्चन 25 में आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कितने लोगों को डाउट है, कितने लोगों का हो गया, ठीक आंसर तो इसका शायद सही आ रहा होगा, 150.5 नहीं आ रहा क्या, अच्छा चलो देखते हैं, अच्छा मैं समझ गया आपने क्या गलती की होगी, मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना, मैंने अभी अभी नया नया चैप्टर किया प्रोजेक्टाइल का, आपने भी अभी किया है, आपको ये सिखाया गया कि अगर एक बॉल को बहुत दूर फेंकना है, मैक्सिमम दूरी पे फेंकना है, तो एंगल क्या होना चाहिए, ठीक है, आप एक कमरे में चले गए, बंद कमरे में, ये रहा वो कमरा, मैं चला गया, मैंने कहा 45 डिग्री मुझे बताया था बच्चों ने, मैंने उठाया पेन और ये लो, मैंने लोगों का देखो मैं इस पेन को बहुत दूर देके गिर के दिखाऊंगा, ये देखो 45 डिग्री यहां से गिरा 45, छत आ गई बीच में, छत आई टकराया और पेन नीचे गिर गया, ये तो फिर जादू फ्लॉप ही हो गया जो अभी हमने सीखा था 45, यार वो 45 डिग्री तब था जब हम ओपन टू स्काई में खड़े होंगे, खुले मैदान में खड़े होंगे, तब वो दूरी कवर करेगा मैक्सिमम, ये थोड़ी ना कहा था कि ऊपर छत अपने ऊपर रख लेना और फिर 45 डिग्री पे गिरना, फिर तो टक्कर खा के रेंज मैक्सिमम आएगी नहीं। अब यही सेकंड क्वेश्चन में हो गया, सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा कि एक बंद कमरे के अंदर एक्सपेरिमेंट है, अब जब एक बंद कमरे में एक्सपेरिमेंट है जैसा कि इसमें हमें मेंशनड है, तो द सीलिंग ऑफ द हॉल इज 25 मीटर हाई, तो ये देखो ये मान लो एक रूम है और 25 मीटर इसकी छत है सीलिंग, एक बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया और कितने एंगल पर किया, अब 45 पे तो नहीं किया होगा, क्या पता किया हो मुझे पता नहीं, पर मुझे इतना समझ में आता है कि एक बॉल को अगर मैं 45 पे यहां पर करूंगा, हो सकता है 45 डिग्री पे ये छत से टकरा के थोड़ी पास गिर जाए, मुझे नहीं पता क्या एंगल रखा, पर मुझे ये पता है जो भी जिस भी एंगल पे गिरा उसमें पूरे क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट जो हो सकती है वो 25 ही हो सकती है, इससे ऊंचाई बॉल कवर कर नहीं सकती क्योंकि छत इससे ऊपर है ही नहीं, ये पॉइंट समझ में आया यहां तक, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट जो बॉल कवर कर सकती है वो 25 ही होगी। अब आप खुद देख लो कि एंगल इस 25 मीटर के हिसाब से क्या आया होगा, अब एक स्टूडेंट दूसरे बैच में बोलता है सर 25 मीटर पे तो टक्कर हो जाएगी, आपको हाइट रखनी चाहिए 24.999999, ठीक बोल रहा है कि अगर 25 मीटर पूरा करेंगे तो टक्कर होने के पूरे चांस है, तो आप 24.9999 लिख दो, पर इतनी छोटी कैलकुलेशन कौन करेगा 999 में, तो हम अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेते हैं 25, इसको हम लिमिटिंग केस बोलते हैं फिजिक्स में, कि बराबर बराबर लेके सॉल्व कर देंगे बट एक्चुअल में वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, तो मैक्सिमम हाइट 25 मीटर से ऊपर तो नहीं हो सकता, तो एक काम करते हैं उसको कितनी वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया 40 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है इज वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, मैक्सिमम हाइट इज 25 इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर
इनटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 इनटू कितना 10 ले लो या 9.8 ले लो, तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यहां से अगर सॉल्व करोगे साइन स्क्वायर थीटा जो मैंने लिखा हुआ है 0.5534 है, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू इसकी इक्वल आएगी, तो जब सॉल्व करोगे तो थीटा आ रहा है 33.6 डिग्री। आप ये वैल्यू निकाल नहीं पाओगे, आपको ऐसे क्वेश्चंस आते भी नहीं, वैसे बता दूं, क्योंकि आपको इन क्वेश्चंस के लिए कैलकुलेटर या वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चाहिए होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन टीचर डालते नहीं है, पर अगर डालेगा तो आपको एंगल भी साथ के साथ देगा। तो मेरी तरफ से गिवन कर लो कि ये एंगल कितना आ रहा है 33.6, वैसे आपको एंगल 45 डिग्री 30 डिग्री ही आते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब इस केस में आपने इसे प्रोजेक्ट किया, 25 मीटर मैक्सिमम हाइट है, आपको अब ये डायग्राम से साफ पता लग रहा है कि अगर मैंने एंगल 33 डिग्री से ऊपर किया, 33.6 डिग्री से ऊपर किया, तो बॉल की टक्कर होगी ही होगी सीलिंग से, और जहां उसकी टक्कर हुई उसने सीधा नीचे गिर जाना है। तो इसका मतलब सिर्फ इस क्वेश्चन में अगर आपको बॉल को दूर से दूर फेंकना है तो आपका एंगल 45 नहीं होगा, आपका एंगल क्या होगा 33.6 ही होगा, सिर्फ इस क्वेश्चन में। छत पे डिपेंड करेगा वो कितनी हाइट पे है, वैसे अगर छत ना होती फिर एंगल क्या होता स्टैंडर्ड 45 ही होता, ये एक्सेप्शनल है। प्लीज पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस केस में अब मुझे क्या निकालना है कि वो कितनी दूर जाके गिरी, यानी कि रेंज। तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है इज वी स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी, वी हमें पता है 40 का स्क्वायर, साइन ऑफ 2 इंटू 33.6 मल्टीप्लाई कर रहे एंगल, डिवाइडेड बाय जी की जगह 10, तो इसकी वैल्यू भी हमें पता नहीं है, जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से आंसर 150.5 मीटर आ रहा है। आप सॉल्व नहीं कर पाओगे बट एटलीस्ट आपको एक आइडिया पता लग गया कि कैसे आपको चेक करना है कि रेंज मैक्सिमम कैसे निकलेगी। एंगल्स को छोड़ दो क्योंकि एंगल्स आपके लिए निकालने ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, मेरे से डल गया वो अलग बात है, पर हाँ वो कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं साइन थीटा हमने निकाल लिया, और अगर हमें ये वैल्यू नहीं भी मालूम तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू पता है, कॉस थीटा ट्राइंगल से मैथ्स की हेल्प से हम निकाल सकते हो, तो फिर आपको ये टेबल्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे भी कर सकते हो बिना टेबल्स के। बट क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैक्सिमम हाइट क्या लेनी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली रेंज क्या हो सकती है? ठीक, ये एंगल 45 पे काम नहीं चलेगा, इसमें कोई डाउट इसमें? ठीक ठीक है, ठीक आ जाएगी, तभी आ जाएगी। मेथड समझ में आया कि 45 कैसे करना है? जैसे यहां पर साइन थीटा आ गया, यहां पे ये वैल्यू तो मैं आपको बता रहा हूं ना, आप देख नहीं पाओगे ना, ये तो मैंने अपने मन से वैसे लिख दिया आंसर, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वैल्यूज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, मैंने बोल दिया, आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, वैल्यूज ऐसी हैं, अनलेस आप वो वाला ट्रिक अपनाते नहीं हो। साइन थीटा पता है तो ट्रिग्नोमेट्री से कॉस थीटा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहां पुट कर लेना 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लंबा है क्वेश्चन, बट आपको क्वेश्चन की कैलकुलेशन को छोड़ो वो नहीं होंगी, आपको मेथड समझ में आ रहा है कि ये एंगल 45 क्यों नहीं लेना, बस ये मेन पॉइंट है इसका। कैलकुलेशन घर जाके आराम से करते रहना, ठीक, कोई डाउट इसमें? ओके, कितने लोग हैं जिनका थर्ड क्वेश्चन हो गया, डाउट है? अच्छा हो गया आपका, कितनों का डाउट है? देखो ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, और पता नहीं आप देख नहीं पाए होंगे एक चीज, इसमें सिंपल क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा एंड अदर एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा। तो ये बात सबको समझ में आती होगी कि मैंने एक बॉल को तो थीटा एंगल पे फेंका, लेकिन दूसरी बॉल को 90 माइनस थीटा पे फेंका विद हॉरिजॉन्टल। कई लोग दूसरे बैच में कंफ्यूज हो गए कि अगर ये थीटा, तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना वर्टिकल के साथ 90 माइनस थीटा, बिल्कुल भी नहीं, उसने साफ मेंशन किया दो बॉल है और एक को थीटा पे फेंका विद हॉरिजॉन्टल और एक को 90 माइनस थीटा को फेंका विद हॉरिजॉन्टल।
ठीक है, एंड में लिखा है ना विद हॉरिजॉन्टल, और विद अ स्पीड ऑफ कितना 39.2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? और ये भी क्लियर है कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसका इस तरीके से और इसका इस तरीके से, ये भी क्लियर है। फिर उसने ये कहा सेकेंड बॉल रीचेस 50 मीटर हायर देन फर्स्ट बॉल, तो अगर फर्स्ट बॉल की मैक्सिमम हाइट एच एम है तो सेकेंड बॉल की मैक्सिमम हाइट एच एम प्लस 50 है। पॉइंट समझ में आया? जो सेकेंड बॉल है वो 50 मीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है फर्स्ट बॉल से, कोई डाउट इसमें? डायग्राम सबको क्लियर है, दो केसेस दिख रहे हैं इसमें, फॉर्मूला लगाएं मैक्सिमम हाइट का। इस केस में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखो क्या लगेगा, मैक्सिमम हाइट इज वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और इस केस में मैक्सिमम हाइट क्या होगा एच एम प्लस 50, वी कितना है 39.2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना 90 माइनस थीटा बाय 2g। ये दो इक्वेशंस क्लियर हैं? जैसी जैसी जिसकी हाइट है वैसी वैसी पुट कर दी, एक में एंगल थीटा तो एक में 90 माइनस थीटा, ठीक। और ये साफ पता लग रहा है यहां से एच ऑफ एम प्लस 50 इज इक्वल टू 39.2 का होल स्क्वायर, मैथ्स में साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2g, राइट। तो ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू, आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें। जब ऐड करेंगे एच ऑफ एम प्लस एच ऑफ एम प्लस 50 इज इक्वल टू 39.2 का होल स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g प्लस 39.2 का होल स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। क्लियर यहां तक? तो दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड कर दिया, ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एच एम प्लस 50, यहां से कॉमन निकाल लो, ये पूरी की पूरी टर्म कॉमन, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि क्या होता है 1। तो यहां से सॉल्व करके क्या जाएगा मैक्सिमम हाइट सॉल्व कर लेना जो कि आएगी 14.2 मीटर। तो अगर एक की हाइट 14.2 आ रही है तो दूसरे की 50 मीटर ज्यादा कर देना, 50 प्लस 14.2। पर आपको मेथड समझ में आया? दो केस में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कैसे लगेगा? ठीक, हिमांशु क्लियर है? हिमांशु ठीक, तनिष क्लियर है? ठीक, तो इजी है, बस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को ऐड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, राइट। ऊपर जाते हैं तो नहीं, फॉर्मूले में तो जी पॉजिटिव होता है इफ यू आर यूजिंग अ फॉर्मूला। अगर पार्ट ऑफ जर्नी यूज कर रहे हो तो आधे के लिए माइनस जी, आधे के लिए प्लस जी, अगर वी यू प्लस ए टी लगा रहे हो तो फॉर्मूले में तो जी पॉजिटिव, इसमें कोई चक्कर नहीं। और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसमें तो हम लगा चुके हैं ना जी माइनस जी और प्लस जी, तो सीधा जी पॉजिटिव पुट करना है इसमें, वैल्यू ओनली। हाँ जी ठीक है, यहां तक कितने लोग हैं जिनको क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है? देखो इस क्वेश्चन के अंदर फोर्थ क्वेश्चन में
फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है बताओ, आपको एंगल गिवन है, चेक करो एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री, और वेलोसिटी गिवन है कितनी, 392 मीटर्स पर सेकेंड। क्या निकाल ले, टाइम ऑफ फ्लाइट 2v sin theta / g, पुट कर लोगे v और theta, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज v² sin of 2 into theta / g, थीटा और वी पुट कर लोगे आंसर आएगा, और लास्ट है मैक्सिमम हाइट वैल्यू पुट कर लोगे आंसर। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वैल्यूज पुट करोगे आंसर आएगा। मेथड समझ आ रहा है यहां तक, फॉर्मूला से पुट कर ही लोगे इसमें, ठीक है, तो इसको करने की जरूरत नहीं आगे सॉल्व। ठीक, कितने लोग हैं जिनको क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है, मैं मान ही नहीं सकता इतने बच्चों का हो गया। लो जी, क्वेश्चन नंबर बताओ 5 में, फिर से जरा रीथिंक करो और सोचो कितने लोगों को डाउट है स्पीड में। ओके, कितने लोगों को स्पीड में डाउट है, कि सबका हो गया, इस संडे को आपका प्रोजेक्टिव का टेस्ट है, सब्जेक्टिव में थ्योरी आएगी जितने भी हमने की, आधा आधा सब्जेक्टिव होगा आधा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होगा वेक्टर्स का ही पुराना, अगेन फिर से टेस्ट रिवाइज हो जाएगा आपका, और आधा सब्जेक्टिव होगा उसमें थ्योरी होगी प्रोजेक्टाइल की, वो डेरिवेशन जो की थी, पेपर बता रहा हूँ आपको क्या आएगा देखो, ठीक, डेरिवेशन और जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आज उसमें से 2 क्वेश्चन दूंगा, तो बताओ इससे आसान क्या होगा, तो अच्छे से रिवाइज करके आना जो भी काम करेंगे आज, ठीक, और ऑब्जेक्टिव तो होगा ही होगा वेक्टर का जो होगा, आधा ऑब्जेक्टिव आधा सब्जेक्ट, ठीक है, संडे को। देखो डाउट है अभिषेक देखो डिस्कशन नहीं करो आगे देखो, इसमें ना एंगल कितना गिवन है, इसमें 5 की 45 करो प्लीज, अब आंसर आएगा। इसमें करेक्शन है, एंगल 5 डिग्री की जगह क्वेश्चन नंबर 5 में इट शुड बी 45 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है मेरे हिसाब से। करें स्टार्ट, देखो बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, ये लो एक बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टली फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ यू, डिस्कशन बंद, विद अ वेलोसिटी ऑफ यू, और कहां से फेंका, एक टॉप ऑफ द टावर से फेंका, और वो ठीक 2 सेकेंड में नीचे स्ट्राइक करती है। तो हमने लास्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन किया था कि वो इस तरीके से स्ट्राइक करती है, बॉम्ब जितने भी गिरते हैं वो ऐसे ही करते हैं, टावर से बॉल गिरती है तो ऐसे ही करती है, क्लियर है। ये क्वेश्चन देखती सबसे पहली चीज आपके माइंड में आनी चाहिए कि बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका था तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी उसकी क्या थी, समझ में आता है ये चीज। अच्छा नेक्स्ट आपको इसमें निकालना है कि उसने कितनी हाइट कवर की h, ठीक, और उसकी u की वैल्यू क्या थी, 2 चीजें बतानी है इसमें, एक तो h बताना है और एक u बताना है, ठीक है। मेरे को अगर आप ये क्वेश्चन दोगे ना सॉल्व करने के लिए जैसे मैं कर रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक ही तरीका है, y एक्सिस में लगाओ s is ut plus half at square, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम याद है वेलोसिटी के तो कंपोनेंट हो जाया करते थे ऐसे, v is u plus at, और x एक्सिस में एक ही इक्वेशन लगनी है s is equal to vt, बस कोई दुनिया का क्वेश्चन हो उसने होना ऐसे ही है इस तरीके का क्वेश्चन। देखो कैसे, हाइट निकालनी है पहले, तो टाइम पता है, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था मैंने ऐसा ही, उसमें मैंने आपको टाइम पूछा था हाइट दी थी, तो ऐसे क्वेश्चन में y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या ली जाएगी, 0, एक्सेलरेशन नीचे गिरने की प्लस g, डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस की क्या होगी इसमें h, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसमें h, और टाइम टेकर नीचे गिरने का कितना है 2 सेकेंड। तो हमेशा की तरह s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s की जगह h इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ, g की जगह 10 2 का स्क्वायर, तो हाइट मेरे पास कितने मीटर आ गई 20 मीटर, मेरी 20 मीटर आई, जो 9.8 यूज करेंगे थोड़ी कम आ जाएगी। और मेथड समझ में आया, तो हाइट निकालने में करना क्या है, कुछ भी नहीं, y एक्सिस में इक्वेशन ही एक अप्लाई होती है s इज ut प्लस हाफ
80 स्क्वायर, क्लियर? तो एक आंसर आ गया, ठीक। और इस क्वेश्चन में यह भी गिवन है कि जो बॉल नीचे गिरती है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाती है, व्हाट है, तो ये एंगल आपको क्या गिवन है ग्राउंड के साथ, 45, ठीक। ये जो एंगल गिवन है, ये एंगल क्या गिवन है, 45 डिग्री वेक्टर बनाता है हमेशा, तो ड्रॉ वेक्टर, स्ट्रेट लाइन बनाती है, तो ड्रॉ वेक्टर, ये जो नेट वेलोसिटी होगी ना, ये एंगल 45 बनाएगी विद ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे बनाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया 45 डिग्री कहां बनेगा, 45 डिग्री यहां नहीं बनेगा ग्राउंड के साथ, वो वेलोसिटी वेक्टर हमेशा नीचे की तरफ जाता है, तो यहां बनेगा। कई लोग गलती करते हैं, कई लोग यहां बनाते हैं, ये नहीं होगा, ये होगा। यहां तक क्लियर है? अब मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, यू, ठीक। देखो सबसे पहले वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे सिर्फ ये बताओ कि जब ये इसको हिट करेगा तो इसकी कितनी वेलोसिटीज होंगी, दो, वी एक्स एंड वीवाई, ऐसा हमेशा करते हैं हम, वी एक्स वी वाई। और ये भी पता है कि हॉरिजॉन्टल में कभी वेलोसिटी चेंज होती नहीं, तो अगर ये यू है तो हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, तो यहां पर भी क्या रहेगी, यू, यू आ गई। अच्छा, अब इसमें अगर मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं ऐसे, तो इस पैरेललोग्राम में अगर ये साइड वी वाई है तो ये साइड भी क्या हो जाएगी, वी वाई, ये साइड किसके इक्वल है, वी एक्स। टेन 45 बोलो, इसमें क्या निकल के आएगा, टेन 45 इज वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स, टेन 45 इज हाइट बाई बेस, वी वाई बाई वी एक्स, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, टेन 45 इज दिस साइड बाई दिस साइड, तो ये साइड क्या है, वी वाई, क्योंकि ये वी वाई, तो ये वी वाई पैरेललोग्राम बना हुआ है, तो ये साइड कितना है, वी एक्स, कोई डाउट इसमें, तो tan 45 तो 1 होता है, इसका मतलब vy इज इक्वल टू v, पर vx किसके इक्वल है, तो vy भी किसके इक्वल है, u, राइट। पर अगर मान लो ये एक ही केस में है, vy vx के इक्वल, जब एंगल कितना है 45, क्योंकि tan 45 क्या होता है 1, अगर ये मान लो 60 डिग्री होता तो यहां पर क्या पुट करते, 60, तो यहां से vy vx में रिलेशन आ जाता। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। ये 45 डिग्री गिवन है, पैरेललोग्राम है, ये वी वाई है, ये वी एक्स है, ये वी वाई है, तो ये साइड भी वी वाई है, टेन 45 इज दिस बाय दिस, ये 1 होता है, तो वी वाई वी एक्स सेम है, और वी एक्स तो यू के इक्वल है, तो ये सब बराबर है, ये भी क्लियर है। अच्छा, अब मुझे लास्ट ये बता दो, वी वाई और ये 0, तो वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में एक और इक्वेशन लग सकती है, वी इज यू प्लस 80, तो y एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी कितनी है, vy, y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, v u plus 80 लगा रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी vy, इनिशियल वेलोसिटी 0, और एक्सेलरेशन कितनी है 10, और टाइम नीचे गिरने का कितना है 2, तो vy की वैल्यू कितनी आ गई, 20, vy निकाल लिया। लेकिन मैंने क्या प्रूव किया, vy इस क्वेश्चन में किसके इक्वल है, u, तो u की वैल्यू भी कितनी आ गई, और यही निकाल लें ना, यू, यू आ गया आंसर। पॉइंट समझ में आया कि यू कैसे निकलेगा, यू निकलेगा वी वाई से, ठीक है यहां तक, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? फाइव डिग्री से पता नहीं कैसे हुआ, जिन्होंने ये पूछ लिया कि वेलोसिटी यू फाइव नहीं हुई, वो तो ठीक है, जेन्युइन है, नहीं हुई होगी उनका, और जिन्होंने कहा कि सारा हो गया, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। तुम्हारा कितना हुआ था स्पीड वाले, निकाली नहीं कि निकली नहीं, ट्राई किया था, अच्छा 5 डिग्री को छोड़ दिया कि कौन, 10 5 तो पता नहीं होगा कि छोड़ यार, वो सर से पूछ लेंगे, अचिंता ऐसी भी है, जब एंगल पता नहीं होगे तो फिर छोड़ देंगे,
चलो समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर ये एंगल 45 ना गिवन होता, 60 डिग्री गिवन होता, यू कितना होता? करो सॉल्व, बताओ आंसर बताओ। अगर ये एंगल, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, अगर ये एंगल 45 ना होता कितना होता? 60। बोलो अब आंसर क्या होता? 20/√3। अच्छा तो आप सबसे पहले चेंज कहां करते? यहां पे करते। तो ये क्या करते? टेन ऑफ 60। टेन 60 क्या होगा? √3। √3 इज इक्वल टू vy डिवाइडेड बाय vx। तो vy इज इक्वल टू √3 इंटू vx, ठीक। या v ऑफ y इज √3 इंटू vx कितने हैं? u। तो u किसके इक्वल है? vy डिवाइडेड बाय √3, ठीक है ना। u निकालना है। अब v ऑफ y कितने हैं? 20। तो ठीक बोल रहे हैं, वो आंसर होता 20 डिवाइडेड बाय √3, ठीक। तो अलग अलग एंगल पर अलग अलग आंसर आएंगे, बट समझ में आ रहा है कि रूल कैसे करना है। सारी गेम यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, यहां से चेंज होगी, वी वाई और वी एक्स में रिलेशन आएगा, वहां से आंसर आएगा। ठीक, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 में कितने लोगों को डाउट है? ऑल क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में मैक्सिमम हाइट कितनी आनी चाहिए? 10। 5 मीटर क्यों? कैसा क्यों? फॉर्मूला क्या लगाया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो वैल्यू तो पुट की है, 5 मीटर आ रहा है। अच्छा आंसर नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं कि कुछ बेसिक एल्गोरिथम कैलकुलेशन का ही गलत है मेरे को तो लगता है। देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर में 20 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 2g। साइन 30 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब चेक कर लो कितना आ रहा है, 5 मीटर आ रहा है। हाँ जी, 5 आ रहा है, 5 मीटर आएगा, ठीक है। इसके अलावा तो कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्लियर है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कितने लोगों को डाउट है? अच्छा कितनों का हो गया? अच्छा हो भी गया, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखो, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखो हमने क्या करना है। फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये मुझे समझ में आता है कि वो मुझसे ना कुछ थीटा पूछ रहा है। फॉर अ बॉडी टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, तो कह रहा है रेंज एंड मैक्सिमम हाइट अगर सेम हो जाए तो एंगल बताओ क्या होगा प्रोजेक्शन का। बोलो रेंज क्या होती है? वी स्क्वायर साइन ऑफ 2θ/g, और मैक्सिमम हाइट इज वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। जी से जी, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसल, साइन 2θ होता है 2 sin θ cos θ, और इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। एक साइन से साइन कैंसल, तो tan थीटा, यहां से साइन बाई कॉस, टेन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। तो थीटा क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स। आंसर टेन इनवर्स 4 में छोड़ दो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है इसे? हाइट और रेंज को इक्वेट कर दिया, जो एंगल आया बस आंसर। Thank you.
ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक पुष्पेश, कितने लोग हैं जिनका क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है? कोई बात नहीं, लास्ट क्लास में विंडोज वाला क्वेश्चन करवाया था ना, एक विंडो से प्रोजेक्टाइल दूसरे विंडो में एंटर करती थी, दो टावर है, डाउट है पूछ लो, डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है। किया था क्वेश्चन? हाँ जी, कोई डाउट इसमें? ठीक है, जिसको डाउट है जाते हुए पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद कितने लोग हैं जिनको क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है? 9 में डाउट है, डाउट है। नाइन्थ क्वेश्चन ये वैसा ही है जैसे हमने वो बॉम्ब लास्ट टाइम बॉम्ब फेंका था, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो इसमें हमने क्या किया था, अ प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट 100 मीटर पर सेकेंड, ये देखो एक प्लेन 100 मीटर पर सेकेंड से जाता है और बॉम्ब को अगर ड्रॉप किया जाए तो बॉम्ब की वेलोसिटी भी 100 ही रहेगी सेम, लेकिन बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में क्या रहेगी? जीरो। बॉम्ब प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे गिरेगा, ये रहा, नेट वेलोसिटी के साथ नीचे स्ट्राइक करेगा, ऐसे क्वेश्चन में यही होता है। और हाइट की वैल्यू कितनी गिवन है? 1000 मीटर। क्लियर है यहां तक? पहला क्वेश्चन है कितने टाइम में बॉम्ब नीचे गिरा। देखो एक बात तो पक्की है, वाई एक्सिस में वही सेम रूल, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में क्या होती है? जीरो। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है इसमें? 1000 मीटर, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू प्लस जी, तो यू कैन अप्लाई एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 1000 इज इक्वल टू जीरो हाफ 10 इंटू टी का स्क्वायर, तो ये कैंसल, टाइम की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 200 यानी कि 10√2 सेकेंड आ गया। ठीक है ना, यहां तक टाइम आ गया। फिर बी पार्ट में क्या पूछा है, वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से ये हिट करता है, हमें क्या निकालना है? वी नेट, कितनी वेलोसिटी से हिट कर रहा है, इसके अंदर में क्या निकालना है? वी नेट। समझ में आ रहा है यहां तक? तो वी नेट के लिए क्या निकलेगा यहां से? वी एक्स, और ये क्या होगा? वी वाई। वी एक्स की वैल्यू विल रिमेन सेम, ये तो 100 ही रहेगा, और वी वाई हम निकालते थे याद है, वाई एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी वी वाई इनिशियल क्या है? जीरो। तो वाई एक्सिस में हम क्या अप्लाई करते थे? फाइनल वेलोसिटी वी इज यू प्लस ए इंटू टी, और टी कितना है? 10√2। वी इज यू प्लस ए टी से क्या आ गया? वी वाई आ गया। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो फिर नेट वेलोसिटी क्या होगी? नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी, वी एक्स भी है वी वाई भी है, पुट कर लेना। ठीक है ना यहां तक? तो ऐसे क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने किया भी था तो और प्रैक्टिस हो गई। तो और कमाल की बात ये देखो, इन क्वेश्चन में मैं बिल्कुल सोच भी नहीं रहा कि क्या करना है, क्योंकि मैं मुझे पता है वाई एक्सिस में दो ही क्वेश्चन लग जाएंगी, ऐसे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी यू प्लस ए टी, तीसरी क्वेश्चन ही नहीं है, और एक्स में एक ही क्वेश्चन लगेगी, एक्स इज इक्वल टू वी टी, तो अगर एक्स निकालना है भी ये निकाल लेना, x इज इक्वल टू वेलोसिटी 100 इंटू टी, क्योंकि x एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है? 100। ठीक है, मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? अभिषेक क्लियर है? ठीक, हो गया था? नहीं हुआ? अब ठीक है, रिवाइज नहीं किया था पहले, ऐसी थी तो शीट उठा ली, ऐसे कैसे हो? रिवाइज किया करो लेक्चर, उसके बाद शीट उठाओ, वो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। कई लोग सोचते हैं कौन करेगा करके तो आए हैं, तो वो खराब हो जाता है उल्टा काम। ओके
ओके, कितने लोग हैं जिनका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया? कितनों को डाउट है? अच्छा, हो गया ये मैन नहीं फेंक पाएगा 5 किलोमीटर पे, आपको लगता है नहीं फेंक पाएगा? ओके ठीक, चलो ठीक है, एक बार देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। देखो देखो वरुण, देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। डिस्कशन बंद, डिस्कशन का टाइम ही नहीं है, बातें कर रहे हो। देखो, अ बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है, अ बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड एट 3 किलोमीटर। चलो ठीक, उसने कहा बुलेट को फायर किया, 30 डिग्री पे फायर किया, बुलेट 3000 मीटर दूर जाके गिरेगा, तो ये क्या है इसकी रेंज? ठीक, कितनी वेलोसिटी से उसको फेंका गया गिवन नहीं है, पर यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि रेंज का फॉर्मूला इज वी स्क्वायर साइन ऑफ 2θ/g, 3000 इज इक्वल टू वी का स्क्वायर साइन ऑफ 2 × 30 डिवाइडेड बाय जी की जगह कितना 10। अनमोल अनमोल, ठीक है यहां तक? तो यहां से साइन 60 आपको पता है √3/2, यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी v की या v स्क्वायर की, मुझे पता नहीं, जो भी आएगा v स्क्वायर निकाल लेना, या यहां से v भी निकाल सकते हो, राइट? अब इस बॉय से ये पूछा या इस स्टूडेंट से ये पूछा कि तूने 30 डिग्री पे इस बॉल को फेंका था, इतनी वेलोसिटी से फेंका था, क्या तू वेलोसिटी को चेंज किए बिना, उसने कहा नहीं वेलोसिटी चेंज करनी है, 5 किलोमीटर का टारगेट को हिट कर सकता है? क्वेश्चन समझ में आया कि वेलोसिटी जो भी निकाली निकाल ले, कोई बात नहीं, इसी वेलोसिटी से एंगल जो मर्जी रख, जो तेरी इच्छा है, क्या तू 5 किलोमीटर के टारगेट को हिट कर सकता है? तो अगर आप एक स्टूडेंट होते और बिना फेंके आप टेस्ट करते कि क्या मैं फेंक पाऊंगा 5 किलोमीटर या नहीं, आप सबसे पहले क्या चेक करते? क्या चेक करते? आरमैक्स, कि आपकी कैपेसिटी क्या है मैक्सिमम फेंकने की। कहने का मतलब कि आप ये चेक करते कि मैक्सिमम रेंज क्या है, और मैक्सिमम रेंज तभी हो सकती है जब एंगल कितना है। तो आप क्या करते, आप सॉल्व कर लेते आर मैक्स की वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, इस वी स्क्वायर को उठा के यहां पुट करते वैल्यू, जी से डिवाइड करते, और आपका सॉल्व करके आंसर आएगा 3464 मीटर, जितना भी आएगा 3000 की लाइन में आएगा जिसका भी आ रहा है। तो अब उस स्टूडेंट को यह पता है कि मेरी मैक्सिमम जो रेंज है जहां तक मैं फेंक सकता हूं एक ऑब्जेक्ट को, वो इतनी है। क्या वो 5000 मीटर तक फेंक पाएगा बॉल को? आंसर क्या होगा, यस कि नो? तो आंसर इज नो। चेक कैसे करना है, समझ में आ रहा है? ऐसे चेक करना है, ठीक। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? प्रोजेक्टाइल काम आएगा जिस लाइन को चूज करना है, यही कुछ होना है वहां। जो भी एनडीए या जो भी फॉर्म भरेंगे वहां पर यही तो है, प्रोजेक्टाइल कितने एंगल पर गोली चलेगी, कितने एंगल पर बॉम्ब गिरना है, ये सब वही काम करेंगे, और क्या करेंगे। प्रोजेक्टाइल सबसे काम की चीज है, तभी तो फिजिक्स को एनडीए पेपर में इंक्लूड करते हैं। यही कुछ टेस्ट करना है उन्होंने, आएगा कि वहां पता लगे आपको बॉम्ब फेंकना, समझ में नहीं आ रही कहाँ बॉम्ब फेंकना है, आप देख ही जाओगे यार, समझ तो आएगा ही ना कि क्या ग्रेविटी का इफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कितने लोगों को डाउट है? ये वही तो है बॉम्ब वाला क्वेश्चन, सेम
सेम, कितने टाइम में बॉम्ब नीचे गिरता है, सेम है। वेलोसिटी नहीं आ रही, नेट वेलोसिटी हो नहीं सकता वैसे, चलो चेक कर देता हूँ, आएगी। देखो देखो, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 फ्रॉम 490 मीटर हाई बिल्डिंग। ये लो, 490 मीटर की बिल्डिंग है, प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली 98 मीटर पर सेकेंड से गिरा, तो पक्की बात है प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे गिरेगा वी नेट के साथ, यही केस है। अच्छा, फिर क्या गिवन है इसमें, टाइम, कितने टाइम में प्रोजेक्टाइल नीचे आएगा, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो, तो वाई एक्सिस में हाइट इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ इंटू जी को 9.8 ले लेना, क्योंकि 49 चल रहा है, तो यहां से टाइम कितना आएगा चेक करो, 10 सेकेंड। ओके, 10 सेकेंड, एक आंसर आ गया 10 सेकेंड। फिर उसने क्या पूछा, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट, ये एक्स निकालो क्या होगा। अब एक्स निकालने के लिए एक्सिस क्या लेंगे, एक्स एक्सिस में क्या इक्वेशन अप्लाई करेंगे, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में हमेशा क्या रहती है, सेम, तो आंसर क्या आएगा 980 मीटर, ये भी क्लियर है। फिर नेट वेलोसिटी निकालनी है, कितनी वेलोसिटी से बॉम्ब ने हिट किया, तो वी नेट को दो हिस्सों में बांट लो, वी एक्स एंड वी वाई। वी एक्स की वैल्यू तो पता ही है कितनी, 98। वी वाई निकाल लो, वी वाई निकालने के लिए वाई एक्सिस लो, वाई एक्सिस में देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है वाई एक्सिस में, वी वाई, इनिशियल कितनी है जीरो, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, तो vy की वैल्यू कितनी आ गई 98, तो v is u plus at अप्लाई करोगे तो ये भी कितना आ गया 98। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में v ऑफ नेट हमेशा क्या आता है, हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए, v नेट बोलो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस v, तो क्या आएगा 98 का स्क्वायर प्लस 90 आएगा आंसर 98√2। मेथड समझ में आया, देखो काफी बार ये क्वेश्चन होगा तो एकदम समझ में आ जाएगा कि क्या करना है इसमें, 5-6 बार हो गया अब तो ये। ठीक है पगुन, राघव हो गया था, पगुन हो गया था ये, ठीक है चेतना। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में कितने लोगों को डाउट है, कितने लोगों का हो गया 12th। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, 12th में प्रूव दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज HM इज 4 times मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दी, सॉरी, प्रूव दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर मैक्स, प्रूव दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि आर मैक्स इज 4 times मैक्सिमम हाइट व्हेन फायर्ड
वो कह रहा है ऐसा कब प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, टू प्रूव ये प्रूव करना है मुझे, व्हेन फायर्ड एट एन इंक्लिनेशन, ऐसे एंगल पर हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका जब उसकी रेंज क्या थी, मैक्सिमम, और रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब एंगल कितना है, तो ये क्वेश्चन कितने डिग्री पे चलेगा, 45, ये प्रूव करो वो कह रहे हैं, ठीक। बस मुझे ये बताओ 45 डिग्री पे आर मैक्स की वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, यहां तक क्लियर है, 45 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट इज वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 2g, या फिर मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 45 क्या होता है, 1/√2 का स्क्वायर बाई 2g, तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4g, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, ठीक है यहां तक। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर लूं तो आर मैक्स बाय एच एम इज इक्वल टू, आर मैक्स की वैल्यू क्या है इसमें, वी स्क्वायर बाय जी, और एच ऑफ एम कितना है, 4g डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और हमने जो प्रूव करना है एग्जैक्टली वही आंसर आ जाएगा, आंसर यही प्रूव करना है। वैसे ऐसे भी कर सकते थे, यहीं पर लेफ्ट हैंड साइड और बस यहां पुट कर लो तो भी आंसर आएगा, एक ही बात है, बट पॉइंट समझ में आ रहा है, मैक्सिमम रेंज निकाल लो 45 पे, मैक्सिमम हाइट निकाल लो 45 पे, दोनों को डिवाइड कर लो, अपने आप आंसर आएगा, ठीक है यहां तक। ठीक है यहां तक, कोई डाउट किसी को इसमें, कितने लोग हैं जिनका लास्ट न्यूमेरिकल हो गया, हो गया एक नहीं हुआ देते, ठीक, देखो देखो ध्यान से समझना प्लीज, ध्यान से सुनना क्वेश्चन पहले। तो अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर, ये देखो एक फाइटर प्लेन है जो कि एट ए हाइट ऑफ 1500 मीटर्स पे उड़ रहा है ग्राउंड से, और एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर, इसको प्लीज मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, क्या आएगा 200 मीटर पर, तो ठीक है 200 मीटर पर सेकेंड से एक प्लेन ऊपर से पास कर रहा है, राइट, पासिस डायरेक्टली ओवरहेड एन एंटी एयरक्राफ्ट गन, नीचे लोग खड़े थे उड़ाने के लिए प्लेन, और एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है और यहां से एक बुलेट चलाएंगे और प्लेन पे लगेगा और प्लेन उड़ाना है। अब जैसे ही वो इस गन यहां पर है, इस गन के ऊपर से पास करता है तो नीचे जो पर्सन है वो ऊपर बुलेट चलाता है। अब मुझे एक चीज बताओ, बुलेट कैसे चलाएगा, सीधा चला दे प्लेन जैसे ऊपर आएगा सीधा चलाए, नहीं, क्यों, क्योंकि जितनी देर में बुलेट ऊपर जाएगा उतनी देर में प्लेन आगे चला जाएगा तो उसे हिट कभी नहीं कर पाएगा। तो कैसे चलाए, किसी एंगल पे, और ये वाले एंगल पे चलाए, क्योंकि अगर वो थोड़ा टेढ़ा चलाएगा गन को ऐसे और वेलोसिटी ऐसे होगी तो बुलेट निकलेगी और अल्टीमेटली पैराबोला की तरह ऐसे जाएगी, वो तो ग्राउंड जैसे पैराबोला जाता है ऐसे जाएगी, और मैं ये चाहता हूं कि इस तरीके से जाए कि प्लेन को कहीं रास्ते में क्या कर जाए, हिट कर जाए, ठीक है, मुझे अंदाजा तो है ही ना कि जो मेरा प्रोजेक्टाइल की तरह बुलेट जाएगा
और इस तरीके से जाए कि रास्ते में प्लेन के साथ उसकी टक्कर हो जाए, और प्लेन की हाइट तो वही रहेगी 1500 मीटर। तो ये डायग्राम क्लियर है? कोई डाउट इस डायग्राम में? और मान लो आपने इसको कितने एंगल पर चलाया, वर्टिकल के साथ एंड एंगल ऑफ थीटा चलाया, और आपको इस क्वेश्चन में थीटा निकालना क्या होगा एग्जैक्टली, कितने एंगल पर मैं मोड़ूं इसे कि ये बुलेट प्लेन को हिट कर जाए। क्वेश्चन समझ में आया? और कुछ गिवन है इसमें? हाँ, इसकी मजल स्पीड गिवन है इस बुलेट की 600 मीटर पर 60, या तो 600 कर लेना, अगर जितनी भी है 600 करो, 600 है। तो इसकी जो बुलेट है इसकी स्पीड कितनी है 600 मीटर पर सेकेंड। मदर स्पीड का मतलब होता है निकलते ही, गोली निकलती स्पीड 600 है, ठीक है? यहां तक आपको इसमें एंगल निकालना है। बस मुझे ये बताओ कि प्लेन और बुलेट में क्या चीज कॉमन होगी? टाइम। टाइम बिल्कुल सही। जितनी देर में, जितने टाइम में ये प्लेन यहां से यहां गया, उतने टाइम में ये बुलेट यहां से यहां आई। कोई डाउट इसमें? सही। और दूसरी चीज क्या सेम होगी इनके? ओके, वर्टिकल हाइट इसकी 1500, तो बुलेट ने भी क्या कवर कर लेनी है 1500, राइट? और क्या चीज सेम होगी इसकी? एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, सही। प्लेन ने एक्स में डिस्टेंस कितना कवर किया ये रहा, तो बुलेट ने कितना कवर किया यहां से यहां तक, इमेजिनरी ज्वाइन करो इतना, तो बुलेट का डिस्टेंस और प्लेन का डिस्टेंस भी एग्जैक्टली सेम है। समझ में आया? तो एक्स का डिस्टेंस भी दोनों का सेम होगा तभी हिट होगा वो। कोई डाउट इसमें? ओके, मुझे ये बताओ कि अगर प्लेन ने एक्स डिस्टेंस कवर किया तो बुलेट ने भी एक्स में कितना डिस्टेंस कवर किया? एक्स कवर किया। तो अगर प्लेन की इक्वेशन में लगाऊं, प्लेन के लिए एक्स एक्सिस में इक्वेशन, प्लेन तो उड़ी एक्स में रहा है, वाई में, वाई में तो कुछ नहीं है, सीधा जा रहा है, तो क्या इक्वेशन लगेगी? जो वेलोसिटी कांस्टेंट है एस इज वी टी, प्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया एक्स, कितनी वेलोसिटी के साथ 200, और कितने टाइम में टी, टी टाइम के बाद उसकी कोलिजन हो गई। प्लेन की इक्वेशन क्लियर? अच्छा, बुलेट की, अब आ जाओ बुलेट की। बुलेट की इक्वेशन में बोलो बुलेट का एक्सिस क्या है? एक्स, क्योंकि बुलेट का वाई भी और एक्स भी है। पहले एक्स की बात करते हैं। बुलेट के एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट बोलो कितनी कवर हुई एक्स, कितने टाइम में हुई टी, और वेलोसिटी बुलेट की क्या थी एक्स में? देखो अगर ये 600 है तो ये क्या होगी 600 कॉस थीटा, और ये क्या होगा 600 थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस होता है ना। तो बुलेट की एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी हुई 600 साइन थीटा। तो और वेलोसिटी की वैल्यू एक्स एक्सिस में हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। तो बुलेट के लिए इक्वेशन क्या अप्लाई करेंगे? एस इज इक्वल टू, तो एक्स इज इक्वल टू वी की जगह 600 साइन थीटा, और टाइम टेकन इसका भी कितना है टी। क्या स्टेप समझ में आ रहा है? एस इज इक्वल टू वी टी बुलेट के लिए, वेलोसिटी बुलेट की एक्स एक्सिस की ले ली। क्लियर है यहां तक? तो मुझे पता है इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर सकते हैं, तो 200 टी इज इक्वल टू 600 साइन थीटा इनटू टी, टी से टी कैंसल, साइन थीटा की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/3, तो एंगल क्या आएगा साइन इनवर्स 1/3 आंसर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में प्लेन का डिस्टेंस और एक्स एक्सिस में बुलेट का डिस्टेंस, ठीक, टाइम टेकन दोनों के लिए सेम। तो वेलोसिटी एक की 200 और दूसरे की 600 साइन थीटा, और एक्स एक्स को इक्वेट कर लो, ठीक। ठीक है प्रांशु, निश्चय, निखिल, हर्ष, दिवांग, प्लेन के लिए बुलेट, बुलेट वाई में भी उड़ रही है और एक्स में भी, तो बुलेट का वाई का मैंने नहीं लिया, मैंने एक्स ले लिया, क्योंकि बुलेट अल्टीमेटली हिट तो करेगी करेगी, तो प्लेन का ये डिस्टेंस और बुलेट का ये वाला डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम ही तो है, तो इक्वेट कर दिया। एक्स से ज़्यादा आसान आ रहा है ना क्वेश्चन, इसलिए वाई से भी कर सकते हैं पर एक्स से ज़्यादा ईजी लग रहा है मुझे, ठीक है यहाँ तक। वाई से इसलिए यूज़ नहीं किया, प्लेन की वेलोसिटी वाई में है ही नहीं, प्लेन उड़ सिर्फ
एक्स में ही रहा है, तो ज़्यादा आसान हो गया ना एक्स में इक्वेशन लगाने। वाई में तो वो वाई की वेलोसिटी तो कुछ भी नहीं है, उसकी जीरो है, तो लगाऊंगा क्या इक्वेशन, कुछ भी नहीं। कोई डाउट इसमें? ठीक ठीक है करण। तो इसी के साथ ये शीट 16 को करते हैं क्लोज। ऑब्जेक्टिव शीट ओपन करो, आप बोलो। टाइम मिसमैच हो गया, गोली चली 2 मिनट में पहुंची, प्लेन 4 मिनट क्रॉस लेता है क्रॉस करने में, तो हिट कैसे होगा? इकट्ठे क्योंकि गोली तब चली जब प्लेन इसके ऊपर था, तो यहां से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। जितने टाइम में प्लेन यहां आता है उतने टाइम में बुलेट यहां आता है, टाइम मिसमैच हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव शीट्स पे आओ। ऑब्जेक्टिव शीट की नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो रही है? 16। 15 शीट भी थी, इसमें मिस हो गई, तो मैं प्रिंट दे रहा हूं, तो प्रिंट आउट जो है आप लो अभी, और 15 शीट से ही स्टार्ट करेंगे। एक रख के पीछे दो। ना थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस होता है हमेशा, नॉर्मली थीटा यहाँ होता है तो कॉस यहाँ चलता है, अब थीटा यहाँ हो गया तो कॉस इधर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऐसे सीख ठीक ना, तो थीटा के साथ हमेशा कॉस चलेगा। ठीक, अच्छा गलती से आ गई होगी, कोई बात नहीं। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर ये 15 लेनी है। कहाँ गया बंडल पीछे, वापस कर देना एक्स्ट्रा शीट्स। कितने को नहीं मिली 15 नंबर शीट? 2 मिनट इधर से बंडल करना प्लीज, पास पास करो, इधर दे दो प्लीज। आगे आगे कर दो 15। ओके मार्क करो जो अभी क्वेश्चन करने हैं आपको, मार्क करो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 15 के जो अभी क्वेश्चंस करने हैं उनमें पहला क्वेश्चन करो 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 9, 10, 13, 9, 10, 13, हाँ नहीं 1 नहीं है, बस 9 से स्टार्ट है। 9 कहा, 10 कहा, 13 है, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल, यही है ना, 14, 15, 17 में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यही है ना, ठीक है 17 बस। तो मैं ये देखना चाहता हूँ आप में से क्वेश्चन नंबर 9 कौन सही और सबसे पहले सॉल्व करके दिखाएगा। क्वेश्चन 9 बिना बात किए, 9th,
हो गया राघव, हो गया, देखते हैं और। डाउट है देखो, इस क्वेश्चन में अब एक बॉल को फेंका जा रहा है एट अ स्पीड ऑफ वी नॉट, तो ये पक्की बात है कि बॉल ऐसे गिरेगी नीचे, कोई डाउट इसमें? सबने ड्रॉ किया। इस बॉल के साथ साथ एक मैन कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट बाई टू से भागता है ताकि इस बॉल को क्या कर ले, कैच। चलो मान लो वो कैच कर लेता है, अगर वो कैच करता है, मुझे पता नहीं, चलो अगर मान लेते हैं वो कैच करेगा, तो ये बताओ कि बॉल और मैन की क्या चीजें कॉमन है। सबसे पहले काफी लोगों ने टाइम बोला, जितने टाइम में ये बॉल यहां से यहां आएगी, बोलो कितने टाइम में आएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट जितने, उतने टाइम में ये मैन यहां से यहां आएगा, कोई डाउट? पॉइंट नंबर वन क्लियर। पॉइंट नंबर टू, कौन सा डिस्टेंस एक्स का, तो बॉल ने ग्राउंड पे आर कवर किया तो मैन ने भी आर कवर कर लेना, ये भी सही है, ठीक। और क्या चीज कॉमन होगी, एक्स के अलोंग स्पीड, बिल्कुल सही, क्योंकि बॉल आगे बढ़ रही है और कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, वी नॉट कॉस थीटा, ऊपर जाती है इनिशियली वी नॉट साइन थीटा, हमें तो आगे से देखना है, तो आगे जाने की वेलोसिटी बॉल की वी नॉट कॉस थीटा और मैन की कितनी, वी नॉट बाई टू, तो दोनों अगर एक्स एक्सिस का डिस्टेंस सेम कवर कर रहे हैं, सोचो आर एंड आर, टाइम टेकन भी दोनों का सेम है, तो एक्स की आगे जाने की वेलोसिटी भी सेम है, ठीक। अगर एक्स की जाने की वेलोसिटी सेम नहीं होगी तो मैन तो आगे निकल जाएगा, पीछे रह जाएगा, बॉल यहां गिरेगी, तो एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी भी एग्जैक्टली सेम है, तो एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी को इक्वेट कर लें, इक्वेट करेंगे तो बोलो कॉस थीटा क्या आ गया, तो थीटा कितना आ गया, आंसर आ गया, ये सबसे आसान है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी को क्या कर देने आपने, सेम कर देने।
ठीक है। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? निखिल डाउट है? कितने लोग हैं जिनका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी है? तो आपको लगता है कि दोनों जो बुलेट्स हैं वो सेम टाइम पे नीचे आएंगे, जबकि वेलोसिटी दोनों की डिफरेंट है, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। देखो सबसे पहले ये बताओ, टॉप ऑफ टावर से आप अगर यू वेलोसिटी से बॉल को नीचे गिरते हो और एच हाइट वो नीचे गिरती है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, तो वाई एक्सिस में हमने कितने ऐसे क्वेश्चन किए, जीरो प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर से टाइम की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ टू एच बाई जी। मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी कहाँ आई? आई नहीं, नीचे गिरने का टाइम सिर्फ हाइट पे डिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो इसलिए u या 2u या 3u जितनी मर्जी वेलोसिटी से बॉल को गिर रहो, नीचे गिरने का टाइम सबका क्या रहेगा, सेम। हाँ, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो ग्राउंड का डिस्टेंस ज्यादा जरूर कवर कर लेगा, लेकिन नीचे गिरने का टाइम विल रिमेन सेम। समझा रहे हैं यहां तक? इसलिए बोथ विल फॉल साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया? ओके 13, चेक करो। स्कूल सबका स्टार्ट हो गया, स्कूल्स स्टार्ट हो गए। कौन सा चैप्टर कराया? कोई नहीं कराया, कुछ करवाते नहीं है, कोई बात नहीं। मैं कितने, अगर किसी स्कूल में ऑप्टिक्स स्टार्ट हो तो प्लीज पहले बताना। जैसे आपका तो हो गया कवर, ऑप्टिक्स हो गया कवर, और कितने लोग हैं जिनका स्टार्ट हुआ ऑप्टिक्स? जो नॉर्मल स्टार्ट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, बाई चांस अगर बीच में भी ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाए तो ज़रूर बताना, क्योंकि फिर मुश्किल होगी आपको स्कूल में, तो फिर वो रिकॉर्डिंग में जैसे इन्होंने किया एक दो स्टूडेंट्स ने, तो वैसे ही कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्टिक्स बिल्कुल एंड में होना है, जनवरी में। पता नहीं लगता स्कूल में कोई ट्विस्ट मार दे टीचर और ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दे, तो बता देना एक बार। वैसे अगर नॉर्मल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हम आगे ही रहेंगे ना हमेशा पूरा साल, हमें ओवरटेक नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, बोलो आंसर। जीरो डिग्री से जीरो डिग्री किसका आ गया? इसमें तो इतना टाइम ही नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे है तो फिर जीरो आता हो गया।
अच्छा चलो फिर यहां देख के बताओ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि एक बॉल को ना 30 डिग्री पे हमने प्रोजेक्ट किया, ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ बॉल जब चली थी तो उसका एंगल 30 था। ये ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं प्लीज, ठीक, ध्यान आगे। अब होगा क्या कि इसके अंदर अगर मैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी ढूंढूं तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। वेलोसिटी इज अ वेक्टर, वेक्टर गोल तो होता ही, स्ट्रेट ही होगा टेंजेंट। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल चेंज हो जाएगा। आप यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एंगल चेंज हो जाएगा। आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाओगे तो एंगल एकदम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और फिर एंगल चेंज हो जाएगा, एंड सो ऑन। मुझे एक बात बताओ कि जब ये चली थी बॉल तो एंगल 30 था, ऊपर जाते जाते ये एंगल बढ़ेगा कि कम होगा टॉप मोस्ट पॉइंट? कम होगा। तो एंगल बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो एंगल जीरो हो जाएगा। तो आपको ये गिवन है कि वो 30 मीटर पर सेकंड से चली बॉल, और टाइम 1.5 सेकंड पे आपको ये बताना है कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि टाइम ऑफ एसेंट कितना है, ठीक। अगर आप इसमें टाइम ऑफ एसेंट निकालो तो उसका फॉर्मूला वी साइन थीटा बाय क्या होता है, जी, दैट इज 30 इनटू साइन ऑफ 30 डिग्री बाय जी, कितना आ रहा है 1.5 सेकंड। मैं पता है क्यों चेक करता हूं टाइम ऑफ असेंट, मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि 1.5 सेकंड पे बॉडी है कहां पे। अगर तो मान लो ये टाइम 1 सेकंड होता चलो, और मैं टाइम ऑफ असेंट 1.5 सेकंड निकालता तो मुझे एटलीस्ट आइडिया हो जाता कि वो लेफ्ट साइड पे टॉप मोस्ट पॉइंट के की राइट साइड पे। 1.5 से कम टाइम है तो इधर होगी, 1.5 पे टॉप मोस्ट पे होगी, 1.5 से ज्यादा टाइम है तो वो इस तरफ होगी। तो टाइम ऑफ असेंट समझ में आया क्यों चेक किया जा रहा है, लेकिन बाय चांस क्या हुआ ये खुद टाइम ऑफ असेंट के इक्वल आ गया। तो मुझसे ये पूछा जा रहा है कि 1.5 सेकंड पे बॉडी का एंगल क्या बना, 1.5 सेकंड पे बॉडी है कहां पर, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना, जीरो। आंसर इज जीरो। समझ में आया जीरो, कोई डाउट किसी को इसमें? अच्छा, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। लो, मेरा क्वेश्चन है, असली क्वेश्चन तो ये है, वो तो बेकार क्वेश्चन है, वो तो 1.5 सेकंड में पूछ रहे। असली क्वेश्चन ये है कि ये लो 30 डिग्री पे हमने एक बॉल को चलाया, 1.5 पे वो टॉप मोस्ट पे होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। बताओ टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, अब ये तो बात पक्की है, 1 सेकेंड पे वो टॉप मोस्ट पॉइंट से लेफ्ट पे होगी, इस पॉइंट पर बताओ कि उसका ये एंगल कितना था। एंगल चेंज हो रहा है ना, हाँ 30 से कम है, ये बात तो पक्की है, तो 30 ज्यादा कोई बोले ना प्लीज, 0 और 30 के बीच में एंगल निकालो क्या होगा। ये तो क्लियर है, वो देखो वो क्वेश्चन है, उसमें एंगल निकाल के दिखाना पड़ेगा आपको। नहीं है साइन इनवर्स 1/3, टैन इनवर्स क्या सही है, देखो कैसे उसने कैलकुलेट किया मैं बताता हूं। थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये 30 डिग्री है, 1 सेकेंड पे टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे बॉल कहीं यहां पर होगी, ये क्लियर है। ये वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे 30 इंटू कॉस ऑफ 30 और 30 इंटू साइन ऑफ 30, साइन 30 हाफ होता है तो ये 15 मीटर पर सेकेंड है, और ये √3/2 है तो ये 15√3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। तो इनिशियल क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? जब ये बॉडी यहां पर होगी 1 सेकेंड में तो ये नेट वेलोसिटी होगी यहां पे कहीं पर, जो भी यहां पे वेलोसिटी होगी v होगी, उसके क्या होंगे दो कंपोनेंट्स होंगे,
दो कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट कहां होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, और एक कंपोनेंट कहां होगा, वर्टिकल होगा। ये बात समझ में आ रही है यहां तक? अच्छा, अगर मैं यहां पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं, ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, तो ये एंगल कितना हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, अगर ये वी वाई है तो ये वैल्यू भी कितनी है, वी वाई है, ये वी वाई है, वी वाई, तो ये वी वाई। तो इस ट्राइंगल में या पैरेललोग्राम में टैन थीटा बोलो किसके इक्वल है, वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो टैन थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। अगर मैं ये दो वैल्यूज आपको बता दूं, टैन थीटा आ जाएगा आपके पास। पता कैसे लगा, ये टेक्निक लगानी है, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे ना, वो बॉम्ब गिरने वाले, वी नेट और एंगल थीटा, तो हम क्या लेते थे, उसके दो कॉम्पोनेंट सेम ही तो है। जब भी एंगल कैलकुलेशन की बारी आएगी, उसमें हमेशा कॉम्पोनेंट्स ही निकालने पड़ेंगे। जब भी आपको एंगल निकालना पड़ेगा ना वेलोसिटी का थीटा, तो उसमें टैन थीटा इज वी बाय बाय वी एक्स ही बनना है, चाहे बॉम्ब गेर लो चाहे वहां कर लो, तो भी देखो सेम चीज आ रही है। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक? तो जब भी आपको एंगल पूछा जाएगा वेलोसिटी वेक्टर का, तो सबसे पहले आप वेलोसिटी वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट्स ले लेना, फिर एक थीटा ले लेना, फिर वी वाई बाय वी एक्स। यहां तक क्लियर है? पर मुझे यह भी पता है कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, तो वी एक्स की वैल्यू सीधी पुट करो 15√3। तो ये क्या आएगा, वी वाई डिवाइडेड बाय 15√3। तो अगर मैं वी वाई निकाल दूं अब, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, आंसर वी वाई निकालना है, मेरा आंसर आएगा। अब वी वाई निकालने के लिए एक्सिस कौन सा लेंगे, एक्स की वाई, वाई। तो यहां से यहां तक की जर्नी में, यहां तक से यहां की जर्नी में फाइनल वेलोसिटी वाई में कितनी है, वी वाई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 15, और टाइम टेकन कितना है, 1। तो y एक्सिस में आप अप्लाई करो v इज इक्वल टू यू प्लस at, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v y। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 15। एक्सेलरेशन कितनी है, -10, और टाइम कितना है, 1। तो v y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इस v y को यहां पुट कर देते हैं 5/15√3, 1/3√3। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/3√3, तो थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 1/3√3। ऐसे आंसर आएंगे, समझ में आ रहा है? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा अगली एक या दो शीट्स में, तो पूछना मत, टेक्निक नोट कर लो और उसमें फिर लगा के देखना, वैल्यूज पता नहीं क्या आएंगी उसमें। समझ में आ रहा है यहां तक? एंगल निकालने के लिए दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करके क्वेश्चन कैसे होगा, समझ रहे, क्लियर है, डाउट है, ठीक है यहां तक? अगला क्वेश्चन आंसर अभी दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन और है।
करण ठीक है। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14। द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज बाय 5%। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहा है मैक्सिमम हाइट को 5% हमने बढ़ा दिया, कीपिंग एंगल सेम, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द हॉरिजॉन्टल रेंज। हाइट बढ़ाई, रेंज में परसेंटेज का क्वेश्चन पूछ रहे। सबसे पहले हाइट और रेंज का रिलेशन निकाल लें, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा अलग अलग, नहीं तो दो फॉर्मूला अलग अलग कैसे लगाएंगे। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, वी स्क्वायर साइन ऑफ 2θ डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, प्लीज साइलेंस, डिस्कशन नहीं। तो इसके अंदर रेंज, ये क्वेश्चन नंबर 1, रेंज को लिख सकते हैं वी स्क्वायर 2 sin θ cos थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो मैक्सिमम हाइट डिवाइडेड बाय रेंज, तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, मीन्स इसको उल्टा करके लिख लेते हैं वी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 2v² साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो जी से जी, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसल, तो आपके पास मैक्सिमम हाइट बाय रेंज का फॉर्मूला आएगा, साइन बाय कॉस को लिख सकते हैं टैन थीटा डिवाइडेड बाय 2 × 2 = 4। देखो ना, नहीं तो वेलोसिटी भी का चक्कर भी तो है बीच में, तो इन दोनों को डिवाइड करके वेलोसिटी इलिमिनेट ही हो गई, अच्छा हो गया, क्योंकि क्वेश्चन हाइट और रेंज पे ही है, वेलोसिटी के बारे में कुछ गिवन नहीं, तो हमने उड़ाई दिया उससे। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो यहां पर tan थीटा, तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, कांस्टेंट, तो h ऑफ m डिवाइडेड बाय r इज राइट साइड क्या आ गया, कांस्टेंट, तो h ऑफ m इज सम कांस्टेंट इनटू कितना r, यानी कि हाइट और रेंज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये डबल होगी तो ये भी डबल होगी, ये 3 times तो ये 3 times, तो अगर ये 5% इंक्रीज हुई तो रेंज भी 5% इंक्रीज है, आंसर आ गया। तो पहले रिलेशन निकालना पड़ेगा हाइट और रेंज का, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ आया कैसे करना है इसे? तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हाइट और रेंज का रिलेशन निकालना है डिवाइड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15th। अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, टाइम है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ट्राई करो जरा। ओके, डिस्कशन बंद करेंगे तो कोई दिमाग भी चलेगा, प्लीज साइलेंस। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखने में सेम लगता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब वो कह रहा है मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज बाय 10%। मैक्सिमम हाइट को तो मैंने 10% बढ़ा दिया, कीपिंग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कॉन्स्टेंट, वॉट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्वेश्चन तब तक नहीं होगा जब तक आप रिलेशन नहीं निकालते मैक्सिमम हाइट का और टाइम ऑफ फ्लाइट का। ठीक, तो पहले रिलेशन निकालते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का क्वेश्चन है, पहले इस बात को समझो। तो सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के रिलेशन निकालते हैं। देखो मैक्सिमम हाइट बोलो फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय 2g, राइट। और ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2v साइन थीटा बाय जी। पर एक प्रॉब्लम है, क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 15 यही है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट यही होता है ना, 2v साइन थीटा बाय जी। टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम ऑफ असेंट होता है, वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो डबल होता है। ठीक, मैं करूं आगे स्टार्ट? ठीक है, ठीक है, आगे देखो। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इन्हें सीधा डिवाइड करता हूं तो वेलोसिटी वी बच जाएगी और वी के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, थीटा तो कांस्टेंट है। तो एक काम करते हैं, हम इसको ना स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग करने से वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय जी का स्क्वायर, इससे क्या होगा, अगर मैं वन और टू इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g और यहां से जी स्क्वेयर 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो जी से जी, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसल, साइन से साइन भी कैंसल, मैक्सिमम हाइट बाय टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, जी डिवाइडेड बाय 8। देखो सब कुछ कैंसिल हो गया, राइट साइड पे कांस्टेंट आ गया, ये आसान हो गया ना। वी को एलिमिनेट करना जरूरी है बिकॉज वी के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, स्क्वेयरिंग करेंगे में वी फंस जाएगा, वी के बारे में कुछ पता ही नहीं, फिर क्या करेंगे, v को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा ना यार, v के बारे में मेंशन नहीं है। तो स्क्वेयरिंग करके v तो तभी एलिमिनेट होगा जब स्क्वेयर करोगे, आपस में डिवाइड करोगे। समझ में आ रहा है यहां तक? नहीं करोगे तो v भी फॉर्मूले में आ जाएगा और फिर पूछोगे सर v कांस्टेंट है कि नहीं, उसने बोला नहीं v कांस्टेंट है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इट्स बेटर कि v को हटा दो, हमारा जो मेन क्वेश्चन है इन दोनों के ऊपर है, तो मैंने इन दोनों का रिलेशन निकाल लिया, बाकी सारी चीजें क्या है, कॉन्स्टेंट, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो इस केस में मैक्सिमम हाइट बाय टी का स्क्वायर इज सम कांस्टेंट, क्योंकि दोनों चीजें कांस्टेंट है वहां से। ठीक है यहां तक? अच्छा, तो मैक्सिमम हाइट इज सम कांस्टेंट इनटू टी का स्क्वायर। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? देखो अब इसके बाद ना दो तीन तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला तरीका तो आपका सिंपल मैथ्स है, मैं दिखाता हूं कैसे। यहां तक पहले नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखो अब इसके बाद बहुत ध्यान से देखने आपने, मैं क्या करने जा रहा हूं। पहला मेथड तो ये है, मुझे पहले देखो गिवन क्या है, मुझे गिवन है परसेंटेज इंक्रीज इन हाइट। मतलब अगर हाइट हाइट की वैल्यू पहले h1 थी, मान लो h1 है या h ऑफ m1 है, मैक्सिमम हाइट है ना, और बाद में 2 हो गई, तो चेंज कितनी हुई, इन दोनों को माइनस किया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या गिवन है, यही हुआ ना, ऐसे होता है ना परसेंटेज चेंज, ऐसे निकलता है चेंज इन हाइट बाय ओरिजिनल हाइट, राइट। या ऐसे कर लो, 1, 2 के चक्कर में नहीं पड़ना, पहले हाइट hm है, बाद में hm डैश हो गई, ये ज्यादा बेटर है शायद, पहले हाइट hm है, hm डैश हो गई, ये गिवन है। तो मुझे क्या निकालना है, टाइम पीरियड का परसेंटेज चेंज निकालने क्या होगा, ये तो पहले टाइम पीरियड क्या था, टी, टाइम ऑफ फ्लाइट टी था, अब कितना है टी डैश, और चेंज कितने है, माइनस किया अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, ये निकालना है। ये समझ में आ रहा है कि क्या गिवन है और क्या निकालना है? अच्छा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा एच एम बाय एच एम
इंटू 100, क्योंकि इसको क्या लिखते हैं, चेंज, याद है, चेंज, चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वैल्यू क्या बने 10%, और हमें क्या निकालना है, डेल्टा टी बाय टी इंटू, समझ में आ रहा है हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है, कोई डाउट इसमें, देखना आ रहा है कि परसेंटेज चेंज कैसे लिखते हैं, वैसे तो मैथ्स में ये लिखते हैं, पर अब हम फिजिक्स में इतना जानते हैं कि इसको चेंज बोलते हैं, तो डेल्टा टी लिख लिया, एक ही बात है, कोई डाउट किसी को इसमें, रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। तो पहला तरीका तो मैथ्स का ही तरीका है, मैथ्स का तरीका तो ये बताता है कि मेथड नंबर वन में, ये रहा मेथड नंबर वन में, मान लो पहले हाइट एच एम है, सम कांस्टेंट इन टू टाइम पीरियड कितना है टी, बाद में कितनी होगी हाइट, इतनी हो गई, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया टी डैश, राइट। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को उठा के यहाँ पुट कर देंगे टाइम पीरियड की फॉर्म में, और ये वैल्यू आ जाएगी, एक लंबा तरीका है, हो तो जाएगा बट एक लंबा तरीका है ये, ठीक। ये मेथड को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम एक ऐसा मेथड बनाएंगे जिसमें शायद पेन को हाथ नहीं लगाना, सीधे आंसर बोलना स्टार्ट कर देंगे अप्रोक्सीमेटली जो मेथड करा, ये तो एग्जैक्ट मेथड है, ये तो एक तरीका है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे एक ऐसा मेथड जिसमें कि अप्रोक्सीमेशन से आंसर आएगा, और अंदाजे से आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा पर आसपास आ जाएगा। उनमें से पहला मेथड कि आप इसमें क्या करो, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, ये मेथड नंबर वन है, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो लॉग दोनों तरफ लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ एच ऑफ एम लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लॉग ऑफ सेकेंड टर्म, लॉग की फिर प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ एच ऑफ एम इज लॉग ऑफ कॉन्स्टेंट इन टू, जो पावर होती है वो ये नीचे आ जाती है, और क्या बचेगा लॉग ऑफ टी, हमने कैलकुलस डिफ्रेंसिएशन में लॉग की प्रॉपर्टी की थी, यही ये रूल क्लियर है यहां तक, आप कहोगे इससे अच्छा तो मैथ्स ही ठीक था इतना लॉग लगाने से, अभी बताऊंगा एक शॉर्टकट आएगा इसमें निकालने के, ठीक। तो इधर देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, यहीं से स्टार्ट है, इसको ना आप डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड्स को, देखते जाओ क्या होता है, जब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वन लॉग ऑफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है वन बाय एक्स, तो लॉग ऑफ एच ऑफ एम की वन बाय, और डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम ऑफ फ्लाइट, तो फर्दर डेरिवेटिव आता था वन बाय एच एम और इंटू डी एच बाई डी टी, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है जीरो, प्लस टू इंटू लॉग ऑफ टी की वन बाय टी इंटू डी टी बाय डी टी विच इज इक्वल टू वन, ये स्टेप क्लियर है यहां तक। तो यहां से आपके पास डी ऑफ एच एम बाय डी टी की वैल्यू, या डी ऑफ एच एम में से इसको ऐसे रख लो और डी टी को राइट साइड पे ले जाओ, तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, देख लो एक मैं लिख लेना एक मिनट, क्या स्टेप क्लियर है। तो इसके अंदर अगर मैं दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ गया, दिस इज परसेंटेज चेंज इन एच, जिसकी वैल्यू क्या गिवन है इस क्वेश्चन में 10%, 2 इंटू, और ये हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, दैट इज परसेंटेज चेंज इन टाइम, तो परसेंटेज चेंज इन टाइम क्या आ गया 5%। आप कहोगे ये तो गड़बड़ है, पहले लॉग लो फिर डिफरेंशिएट, ये मेथड कितने लोगों को पसंद नहीं आया, अच्छा कितनों को पसंद आ गया, अच्छा ठीक है एक दो को पसंद आ गया, मैं इसका एक और छोटा तरीका और बताता हूं, दो मिनट देखते जाना उसके बाद देखना, ठीक। मैं फिर से लिख रहा हूं एच ऑफ एम इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इन टू टी का, राइट, एरर आते हैं लगाओ एरर का रूल, डेल्टा एच एम बाय एच एम, कॉन्स्टेंट में कोई एरर नहीं, टू इंटू डेल्टा टी बाय, कितने लोगों को पसंद आ गया, ठीक है इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, ये लो 100 से, तो ये परसेंटेज कितना गिवन है 10%, और हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, तो यहां से डेल्टा टी बाय टी इंटू 100 कितना आ गया, कितने लोगों को मेथड टू पसंद आया, ठीक है। तीसरा मेथड आराम से लिख लेना, दो मिनट दूंगा पूरे। तीसरा मेथड थोड़ी चलाकी, फॉर्मूला को ध्यान से देखो, पेन को साइड पे रख दो, मुझे पता है ये फॉर्मूला है, मुझे पता है कि रूल लगाऊं चाहे डिफरेंशिएशन करूं, पावर टू को तो बाहर आना ही आना है,
ठीक हो गया। अपने मन में कैलकुलेट कर लो, परसेंटेज चेंज इन हाइट क्या आएगी, 10% इज 2 × परसेंटेज चेंज इन टाइम, तो 10/2 सीधा 5% हो गया। अच्छा नहीं, फिर देखो, सपोज करो, सपोज सपोज दो मिनट देख लो, y इज इक्वल टू x की पावर 4, मान लो एक इक्वेशन गिवन है, और मैं ये कह रहा हूं परसेंटेज चेंज इन x आपको इस क्वेश्चन में गिवन है मान लो 2%, और आपको परसेंटेज चेंज इन क्या निकालना है, y। अब मुझे पता है चाहे लॉग लगाऊं चाहे एरर लगाऊं, यहां पर 4 तो नीचे आना ही आना है, परसेंटेज चेंज इन y कितना है वो हमें निकालना है, और 4 × परसेंटेज चेंज इन x कितना है, तो कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली 8%। कितनों को ये मेथड पसंद में आ गया, एरर ही ठीक है, छोड़ो ना, इतना आसान आ गया, कुछ नहीं करना, एक शॉर्टकट बता तो रहा हूं, पावर को परसेंटेज चेंज से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। इससे आसान क्या होगा, जैसे x का परसेंटेज चेंज मान लो 2% गिवन है, 4 को सीधा 2 से मल्टीप्लाई करो, कर क्या रहे हो, सीधा 8%। समझ में आया, ये तीनों के तीनों मेथड या दोनों के दोनों मेथड सुन लो कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देंगे। मैथ्स की क्लास में बोलना नहीं है, परसेंट के क्वेश्चन का शॉर्टकट पता लग गया हम कर सकते हैं, मैथ्स का टीचर बिल्कुल गलत कर देगा। ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट मेथड है, ये छोटी परसेंटेज के लिए वैलिड है, 2, 4, 5, 10%, 25%, 15%, 50% के लिए रिजल्ट खराब हो जाएगा। खराब मींस परसेंटेज चेंज आना चाहिए था आपका आंसर 20%, पर इस मेथड से आना स्टार्ट हो जाएगा 22% या 23% या 24% वेरिएशन शो करेगा, क्योंकि एरर्स और लॉग के रूल्स बहुत छोटी वैल्यूज के लिए वैलिड है और ये बड़ी बड़ी चेंजेस के लिए वैलिड नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल सही है, अब 2-4% में ऑप्शन देख लो दूर दूर है तो अप्रोक्सीमेट आंसर तो सही आ ही जाएगा। समझ में आया यहाँ तक, तो आज के बाद परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन हम सीधा यहीं से ऐसे ओरली कर दिया करेंगे, ठीक। अब आपने लिखना है आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज क्वेश्चन नंबर 17 जिनका हो गया, ये क्वेश्चन 17 का आंसर बताएं प्लीज, हो गया। देखो एक लास्ट क्वेश्चन बस मैं बता देता हूं, ये नोट कर लेना कोई दिक्कत नहीं है। 17th क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इंक्रीज बाय 2%, तो इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा वी बाय वी इनटू 100, क्या गिवन है 2
2%, कीपिंग अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट, मैक्सिमम हाइट में परसेंटेज चेंज निकालो। जो मैक्सिमम हाइट होती है वो क्या होती है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। वो कह रहे हैं वेलोसिटी और हाइट चेंज हो रही है, बाकी अदर आर कॉन्स्टेंट। तो मुझे पता लग गया मैक्सिमम हाइट इज सम कॉन्स्टेंट इन टू वी का स्क्वायर। क्या पॉइंट क्लियर है? अब इस केस में वेलोसिटी का परसेंटेज चेंज कितना गिवन है, 2%, तो हाइट का क्या होगा, 2 × 2% यानी कि इससे आसान तरीका क्या होगा, अप्रोक्सीमेट है 4% आंसर आ गया। ठीक है यहां तक? करण ठीक है, क्लास में है?